वो जब फिल्मी पर्दे पर आती थी तो अपने हॉट सेंसेशनल अंदाज से सबको मदहोश कर देती थी। कोई उन्हें सौंदर्य की देवी कहता तो कोई मेस्मराइजिंग ब्यूटी। अपने अलहदा अंदाज और शानदार अदाकारी से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अपनी पहली फिल्म में ही किसिंग सीन देने के कारण आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा और ये मिस किस के नाम से चर्चित हो गईं। धीरे रे चलो मोरी बाकी हिरनिया, धीरे रे चलो। क्या आपको पता है कि इस क्रिश्चियन अदाकारा की खूबसूरती की चर्चा इतनी बढ़ी कि एक जाने माने हिंदू महाराजा ने इन्हें अपनी रानी बना लिया, लेकिन फिर इन्हें अपने ससुराल वालों से बेशुमार नफरतों का सामना करना पड़ा। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते खुदा की पसंद। और क्या आप यकीन करेंगे कि दो बच्चों की मां होने के बावजूद इन्होंने खास बच्चों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उन्हीं की वजह से जीवन में दोबारा गमों से उभर कर वापसी की। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा दे। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसे इन्होंने ईसाई होने के बाद भी धर्म, जाति और समाज की दीवारों को तोड़कर एक शादीशुदा हिंदू राजा से शादी कर राजमाता का खिताब हासिल किया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्वेता जया फिल्मी बातें और मैं हूं आपके साथ श्वेता। दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत में कई ऐसी अदाकारा रही हैं जिन्होंने अपने अभिनय और खूबसूरती के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन फिर गुमनामी में कहीं खो गईं। ऐसी ही एक अदाकारा रही सोनिया साहनी, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी शानदार अदाकारी तो दर्ज कराई मगर आज ये गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। तो आज के अपने शो में हम बात करेंगे इसी खूबसूरत अदाकारा सोनिया साहनी की। अखियों का नूर है तो, अखियों से दूर है तो, फिर भी पुकार। सोनिया साहनी की फिल्मों और लव लाइफ की चर्चा करें उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी सोनिया और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। सोनिया साहनी का जन्म साल 1946 में 31 अगस्त को श्रीनगर के एक सिख परिवार में हुआ था। परिवार ने प्यार से बच्ची का नाम रखा उषा। इनके पिता लाहौर के और माँ पेशावर की रहने वाली थीं, लेकिन माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। 6 बहनें और 2 भाइयों में उषा सबसे छोटी थीं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शोक भी। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई। बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था, इसलिए ये उस समय की तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो उषा उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेती। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें इन्होंने दाखिला लिया और बड़ी लगन से एक्टिंग सीखने लगी। एक बार यहाँ मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुँचे, उन्होंने उषा को एक्टिंग करते देखा। उषा की एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उषा को मुंबई आने का न्योता दिया। भगवान मेहरबान हो गए, किस्मत ने कमाल दिखाया और सपनों को जैसे पंख लग गए। उषा 1965 में माया नगरी मुंबई पहुँची। यहाँ आते ही इंडस्ट्री मुकद्दर का सिकंदर बनाने को तैयार बैठी थी। मुंबई आते ही IS जौहर ने इनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, वो थी उषा का नाम। जौहर साहब ने कहा, तुम्हें अपना नाम बदलना होगा क्योंकि तुम्हारा नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं करता।
मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ, इसी नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। और वहीं से उषा बन गई सोनिया साहनी। अपने नाम के करीब मेरा भी नाम लिख दो। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में बनी थी। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही कुछ हुआ इस अभिनेत्री के साथ। फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें लोगों से काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। दरअसल फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में सोनिया साहनी ने आईएस जौहर के साथ किसिंग सीन दिया था, जिस पर सेंसर बोर्ड ने भी काफी आपत्तियां उठाई थी। अभिनेत्री की जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हो पाई, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उनके इस किसिंग सीन की हुई। लोग उन्हें मिस किस के नाम से पुकारने लगे। जिन दिनों दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियां किसिंग सीन करने से बचती थीं, वहीं सोनिया ने किसिंग सीन खुलकर किया। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस तरह के सीन के लिए ही ऑफर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सोनिया साहनी को किसिंग और दूसरे ऐसे सीन करने में कोई परेशानी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से अपने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था, मैंने किसिंग सीन अगर दिया भी है तो उसकी कहानी में एडवांटेज को समझकर, ये मेरा काम है। इसके बाद मैंने कोई भी इस तरह की फिल्म साइन नहीं की जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। इसके बाद इन्होंने लगातार आईएस जौहर की कई फिल्मों में काम किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद मेरा नाम जौहर, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो हीरोइन रही। इसके अलावा भी अकलमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार आदि फिल्मों में सोनिया साहनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आईं। अभी तो रात बाकी है, ये ढल जाए तो सो जाना। सोनिया साहनी ने करियर की शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार और प्राण समेत कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ इनके काम को खूब सराहा गया। ১৯৭০ के दशक में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख किया। इनका कहना था, कैरेक्टर रोल करने से अभिनय की सच्ची प्रतिभा निखरती है। सोनिया साहनी ने अपने कैरेक्टर रोल में एक अहम मुकाम हासिल किया। 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी में इन्होंने ऋषि कपूर की माँ का किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट तो रही, साथ ही इनके रोल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने 1970 से 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्म कर्म, चाचा भतीजा और जंगल में मंगल जैसी तमाम फिल्मों में सोनिया साहनी ने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा, काफिला, तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें सोनिया साहनी को कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। हमारी रियासत खत्म हो गई है, लेकिन नजर अभी तक खत्म नहीं हुई। हम आदमी और नोट को देखते ही परख लेते हैं। वहीं सोनिया साहनी, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, जीनत अमान, रेखा जैसी दिग्गज कलाकारों की कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल निभाती भी नजर आईं। सोनिया साहनी अपने करियर को शिखर की ऊंचाई तक पहुंचाने में जुटी थीं, लेकिन तभी इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस अभिनेत्री को शिव पलिताना नाम के शख्स से प्यार हो गया, मतलब वो उन्हें एक ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठी। कहते हैं कि वो इश्क है क्या जो सोच समझकर किया जाए, ये तो बस नजरों का खेल है। न जाने पीर दिल की भी पीर सोनिया साहनी भी इसी नजर से मजबूर हो गईं। प्यार में वो इतना खो गईं कि उन्हें ये भी खबर नहीं रही कि जिनसे वो शादी करने की सोच रही हैं, वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उनका बच्चा भी है। लेकिन सोनिया पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि शादी से पहले ही वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। कुछ समय बाद 1976 में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रहीं।
सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिव चाहते थे कि मैं शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहूं, अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया साहनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। बता दें कि शिव पालिताना का फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं था, वो एक रॉयल परिवार से थे। वो पालिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनके रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पालिताना भारत की एक रियासत थी। ये सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सोरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि इन रियासत के शासकों ने 9 तोपों की सलामी का आनंद लिया है, जो कि अद्भुत है। सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिव पालिताना के साथ बेहद खुश रहने लगी। वो राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में भी हिस्सा लेती थी। शादी के कुछ दिनों के बाद सोनिया मां बन गईं, जिसके बाद पालिताना रियासत के लोगों ने इन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश को यानी कि भविष्य के राजा को जन्म देती हैं, तो उन्हें राजमाता यानी कि राजा की मां का दर्जा मिल जाता है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वो इंडस्ट्री को अलविदा कर देंगी। उनके दो बच्चे हुए, केतन और किरण। इसी तरह समय बीतता रहा। सोनिया अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। उनके पति बीच राह में ही उनका साथ छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए। साल 1990 में शिव पालिताना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति की मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गईं। कुछ दिनों तक इन्होंने संसार से मानो रिश्ता ही तोड़ लिया था। काफी समय तक इन्होंने खुद को घर में ही बंद कर लिया। ये अकेली पड़ गई थीं। इन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इन्होंने अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कहते हैं समय में बड़ी ताकत होती है। गुजरते वक्त के साथ सोनिया साहनी ने जीना सीख लिया। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इनका जाना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। पति शिव पालिताना के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले इनसे नफरत करने लगे। ये पल यकीनन इनके लिए बहुत मुश्किलों भरा रहा, लेकिन रियासत की जनता ने इनका साथ दिया और ये धीरे धीरे वहाँ काफी लोकप्रिय हो गयी। दरअसल सोनिया ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए डिफरेंट बच्चों के स्कूल में जाकर समय बिताना शुरू किया था। अभिनेत्री इन बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। इन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ भी बाद में रुख किया। इन्होंने जन्नत, कुसुम, प्यार दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े टीवी सीरियल्स में भी काम किया। साल 2015 में आखिरी बार ये टीवी सीरियल संतोषी माँ में दादी की भूमिका में नजर आई थीं। इस तरह इन्होंने 70 से भी अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में काम किया। सोनिया साहनी अपने गमों को भूलकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। आजकल वो दुबई में अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इनकी रियासत पालिताना के लोग इन्हें बहुत इज्जत देते हैं और राजमाता सोनिया देवी कहकर बुलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे हैं खुश और सकारात्मकता से लबरेज रहें और खास बच्चों और जनता के लिए भी काम करती रहें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको सोनिया साहनी की कौन सी फिल्म या कौन सा गाना अच्छा लगता है वो भी जरूर बताइएगा। तो चलिए, एक और नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।